हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 का रीकैप। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि अटैक ऑन टाइटन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ मॉडर्न टाइम। इस शो को ग्रेट बनाती है इसकी बेहतरीन स्टोरी और ऑसम कैरेक्टर्स, जो आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देती है। इस शो के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और चौथा सीजन भी इसी मंथ से स्टार्ट हो गया है। तो आज इस वीडियो में मैं अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 को सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। जिन लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा उनके लिए स्पॉइलर अलर्ट, और अगर आप देख चुके हैं तो एंड तक एंजॉय कीजिए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। सीजन 1 रिलीज हुआ था 2013 में और इसमें 25 एपिसोड्स हैं। सीजन 1 की IMDb रेटिंग 8.8 है और रॉटेन टमाटर पर ये 94% फ्रेश है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए करते हैं शुरू सीजन 1। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इस शो के मेन हीरो एरन येगर को, जो कि एक डरावना सपना देख रहा था। एरन अपने होम टाउन शिगानशिना में है। शिगानशिना वॉल के बाहर की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक, जो लगभग 50 मीटर ऊंची वॉल्स से घिरी हुई है। इन वॉल्स को बनाया गया है टाइटन से बचने के लिए। करीब 100 साल पहले मानवता को एक नया दुश्मन मिला और ये थे जायंट मॉन्स्टर्स, जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। ये टाइटन्स इंसानों को खाने लगे और मानवता को लगभग मिटा ही डाला। और इनसे बचने के लिए इंसानों ने 3 बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई। सबसे बाहर की दीवार का नाम मारिया है, बीच की दीवार का नाम वॉल रोज, सबसे अंदर की दीवार का नाम वॉल शीना है। और बचे हुए इंसान इन्हीं वॉल्स के अंदर रहते हैं। और इन सभी वॉल्स के बाहर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट वॉल मारिया के बाहर है, जहां एरन रहता है। एरन को उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड मिकासा जगाती है। मिकासा के पेरेंट्स का कुछ लोगों ने मर्डर कर दिया था, तभी से मिकासा एरन की फैमिली के साथ रहती है। दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें हानस मिलता है, जो एक सोल्जर है। एरन हानस से काफी गुस्सा है, क्योंकि वो ड्यूटी पर शराब पी रहा था। और क्योंकि 100 सालों से कोई भी टाइटन इन वॉल्स को तोड़कर अंदर नहीं आ सका था, तो इन सोल्जर्स को वैसे भी कोई काम नहीं है। इसके बाद स्काउट रेजिमेंट दीवारों के बाहर से आते हैं। अब हमें यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रक्चर को समझना होगा। जिसे भी सोल्जर बनना होता है उसे 3 साल तक मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है, और 3 साल बाद इन्हें चुनाव करना होता है कि इन्हें कौन सी मिलिट्री ब्रांच ज्वाइन करना है। यहाँ पर 3 ब्रांच है। पहली द रॉयल गार्ड, जिनका काम है राजधानी में रहकर राजा को प्रोटेक्ट करना। दूसरी गैरिसन रेजिमेंट, इनका काम है वॉल्स के अंदर शांति बनाए रखना और लोगों को प्रोटेक्ट करना। तीसरी स्काउट्स रेजिमेंट, जिसमें सबसे काबिल और बहादुर सोल्जर्स होते हैं। इनका काम होता है वॉल्स के बाहर जाकर टाइटन्स की जानकारी इकट्ठा करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें मारना, क्योंकि ये वाला रेजिमेंट टाइटन से सीधे टक्कर लेता है। सबसे ज्यादा मौत भी इसी ब्रांच में होती है। जब भी ये अपने मिशन से वापस आते हैं तो इनके आधे से ज्यादा मेंबर्स गायब होते हैं या बुरी तरह घायल होते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, 80% सोल्जर वापस ही नहीं आए। लेकिन ये सब देखकर भी एरन बिल्कुल नहीं डरता। वो स्काउट्स को असली हीरो मानता है और बड़ा होकर वो स्काउट रेजिमेंट को ही ज्वाइन करना चाहता है। घर जाने के बाद मिकासा एरन के पेरेंट्स को बता देती है कि वो स्काउट्स ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसकी मॉम इसके लिए उसे साफ मना कर देती है। वहीं उसके डैड, जो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे, कहते हैं कि वो वापस आकर एरन को घर के बेसमेंट का सीक्रेट बताएंगे। इसके बाद एरन और मिकासा अपने अच्छे दोस्त आर्मिन के पास जाते हैं। आर्मिन कहता है कि वो भी एक दिन वॉल्स के बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता है, खासकर वो समुद्र देखना चाहता है। और तीनों डिसाइड करते हैं कि एक दिन वो दीवारों का शहर छोड़ देंगे और समुद्र को एक साथ देखेंगे। और तभी एक धमाका होता है। एक बहुत बड़ा टाइटन, जो कि वॉल्स से बड़ा था, वहां आ चुका था। इसका नाम कोलोसल टाइटन है। ये टाइटन दीवार में एक लात मार के एक बड़ा छेद कर देता है और सैकड़ों टाइटन्स शहर के अंदर आ जाते हैं और चारों तरफ तबाही और मौत का तांडव होने लगता है। एरन और मिकासा भागकर अपने घर जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एरन की माँ घर के मलबे में दब चुकी थी। अचानक हानस वहाँ आ जाता है। एरन अपनी माँ को बचाने के लिए उसे चिल्लाता है, लेकिन उसका सामना एक डरावने टाइटन से हो जाता है और वो एरन और मिकासा को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। वो टाइटन एरन की माँ को उठाकर खा लेती है। एरन अपनी आँखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखता है। अब बचे हुए लोग भागकर पहली वॉल मारिया के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक और टाइटन आता है। इसका नाम आर्मर टाइटन है और ये सीधा वॉल मारिया के मेन गेट को तोड़ देता है और टाइटन्स वॉल मारिया के अंदर भी आ जाते हैं। अब बचे हुए लोगों को दूसरी वॉल रोज के अंदर जाना पड़ता है। गुस्से से भरा हुआ एरन कसम खाता है कि वो सारे टाइटन्स को खत्म कर देगा। 2 साल बाद एरन, मिकासा और आर्मिन मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर उन्हें 3 साल तक ट्रेनिंग करनी है। यहाँ पर हमें कुछ साइड कैरेक्टर्स मिलते हैं। शांत लेकिन फाइट में माहिर एनी,
खाने की शौकीन साशा, छोटा और मजाकिया कॉनी, दयालु और मासूम क्रिस्टा, स्मार्ट और तेज जीन, अच्छा बंदा मार्को, खामोश रहने वाला राइनर और उसका दोस्त बेर्थोल्ट और खड़ूस ईमिर, सभी लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं। ट्रेनिंग में इन्हें सिखाते हैं कि टाइटन्स माइंडलेस और स्लो होते हैं और उन्हें मारने का एक ही तरीका है, उनकी गर्दन के पीछे के हिस्से को काटना। कहीं और काटने पर वो नहीं मरेंगे क्योंकि वो अपने बॉडी पार्ट्स रीजनरेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ODM गियर यूज करना सिखाया जाता है जिससे ये काफी तेजी से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और मिकासा इसे आसानी से मास्टर कर लेती है और सभी इसे यूज करना सीख जाते हैं सिवाय एरन के। रात को एरन अपने साथियों से पूछता है कि वो फेल क्यों हो रहा है, और फिर वो रैनर और बेर्थोल्ट से पूछते हैं। अब वो उसे हेल्प तो नहीं कर सकते, पर उनकी कहानी भी एरन जैसी ही है। उनके छोटे से गांव को भी टाइटन्स ने बर्बाद कर दिया था और इन लोगों ने भी टाइटन्स के डर को करीब से देखा था। ये चारों बात करते हुए बाहर जाते हैं जहां राइनर बताता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो बस अपने होमलैंड जाना चाहता है। वो एरन से पूछता है कि वो क्या चाहता है, जिस पर एरन जवाब देता है कि वो सभी टाइटन्स को मिटा देना चाहता है। चारों ने अपने गोल्स चुन लिए थे। अगली सुबह एरन थोड़ी देर के लिए अपने आप को संभाल लेता है लेकिन फिर से गिर जाता है। कमांडर उसे एक नया बेल्ट पहनने को कहते हैं और इसके बाद एरन को कोई परेशानी नहीं होती। एरन की पुरानी बेल्ट किसी कारण से टूटी हुई थी। 3 साल बाद सभी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। टॉप 10 में थे क्रिस्टा, साशा, कॉनी, मार्को, जीन, एरन, एनी, बेर्थोल्ट, राइनर और मिकासा। कुछ टाइम बाद उन्हें ये डिसाइड करना था कि उन्हें मिलिट्री की कौन सी ब्रांच में जाना है, लेकिन अभी के लिए उन्हें ट्रोस्ट जिले में भेजा जाता है एक्सपीरियंस के लिए। एरन, मिकासा और आर्मिन फैसला करते हैं कि वो स्काउट्स रेजिमेंट को ज्वाइन करेंगे और साथ मिलकर समुद्र देखेंगे। अगले दिन उन्हें यहाँ हानस मिलता है। हानस माफी मांगता है कि वो उस दिन एरन की माँ को बचा नहीं सका। इनका पूरा ग्रुप वॉल के ऊपर पेट्रोलिंग करने लगता है और सब कुछ सही जा रहा था। एरन के दिमाग में यही सब चल रहा था कि टाइटन्स को इंसान हरा देंगे और इंसान की ही जीत होगी, कि तभी एरन के पीछे कॉलोसल टाइटन प्रकट होता है और इस वॉल का मेन गेट तोड़ देता है, साथ ही वॉल पर रखी कैनन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका मतलब ये टाइटन दूसरों की तरह नासमझ नहीं है और इंटेलिजेंट है। एरन पूरे गुस्से में उस पर अटैक करता है लेकिन वो हवा में गायब हो जाता है। टाइटन्स ट्रोस्ट शहर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं जबकि स्काउट्स किसी मिशन से बाहर गए हुए थे। अब गैरिसन रेजिमेंट और एरन के ग्रुप को ही इनसे लड़ना होगा। सभी को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और सभी टाइटन्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन टाइटन्स कई सारे सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगते हैं। इनके सर पर मौत नाच रही थी। ये सब देखकर आर्मिन भी डर के पैरालाइज हो जाता है और टाइटन आर्मिन को उठा के खाने लगता है, लेकिन तभी एरन वहां आ जाता है और आर्मिन को बचा लेता है, लेकिन एरन खुद नहीं बच पाता और टाइटन उसे खा जाता है और शो का मेन हीरो मारा जाता है। हर कोई डरा हुआ था, कुछ लड़ रहे थे, कुछ छुप रहे थे और कुछ लोग तो सुसाइड भी कर रहे थे। मिकासा को भी एरन की ही चिंता हो रही थी, लेकिन जब वो आर्मिन के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि एरन मर चुका है। मिकासा आर्मिन से कहती है सब ठीक हो जाएगा और बचे हुए लोगों को मोटिवेट करती है टाइटन से लड़ने के लिए और खुद भी टाइटन्स को मारती है, लेकिन उसके ODM गियर की गैस खत्म हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। मिकासा टाइटन्स से घिर जाती है और वो अपनी सारी उम्मीद खो चुकी होती है, लेकिन मिकासा अपनी टूटी ब्लेड से भी लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो टाइटन मिकासा को खाने वाला था, एक दूसरा टाइटन कहीं से आता है और उस टाइटन को मार देता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक टाइटन दूसरे टाइटन को मार रहा था। आर्मिन मिकासा को रेस्क्यू कर लेता है और नया टाइटन दूसरे टाइटन्स को मारना जारी रखता है। आर्मिन बाकी के ग्रुप के साथ प्लान बनाता है कि उन्हें इस नए टाइटन का यूज करना चाहिए बाकी के टाइटन्स को भगाने के लिए, लेकिन नया टाइटन अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है और दूसरे टाइटन्स उसे खाने लगते हैं और नया टाइटन गिर जाता है। सफेद धुएं के बीच हम देखते हैं एरन को जो जिंदा था और नए टाइटन की गर्दन में था, जिसका मतलब ये था कि ये नया टाइटन कोई और नहीं बल्कि खुद एरन है, और उसके हाथ पैर भी जो कट चुके थे वो हील हो जाते हैं। अब ये देख वॉल रोज के अंदर सोल्जर्स एरन, मिकासा और आर्मिन को घेर लेते हैं। सोल्जर्स उसे मॉन्स्टर समझ रहे थे और एरन को मारना चाहते थे। एरन को एक सपना आता है कि उसके फादर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया था और उसे समझ आता है कि उसे उस चाबी को यूज करके बेसमेंट के सीक्रेट को जानना होगा और अपनी इस नई पावर को मास्टर करना होगा। गार्ड्स एरन पर कैनन फायर करते हैं, लेकिन एरन अपने हाथ को काटता है और अपनी टाइटन बॉडी का आधा हिस्सा सम्मन कर लेता है और उसे रोक लेता है। अब आर्मिन आगे आता है और सभी गार्ड्स को कन्विंस करता है कि उन्हें एरन को एक चांस देना चाहिए, वो मानवता की आखिरी उम्मीद हो सकता है। मिलिट्री कमांडर पिक्सेस वहां आते हैं और एरन को बचा लेते हैं। इसके बाद वो एरन और आर्मिन के साथ एक प्लान बनाते हैं। एरन फिर से टाइटन बन के एक बड़ा बोल्डर उठा के उस गेट को सील कर सकता है
जो कोलोसल टाइटन ने तोड़ा था, जिससे बाकी टाइटन्स अंदर नहीं आ पाएंगे। पिक्सास अपने बाकी के सोल्जर्स को यह प्लान बताता है और सभी डरे हुए होकर भी एग्री करते हैं और एक ग्रुप एरन के साथ भेजा जाता है और बाकी सोल्जर्स टाइटन्स को दूसरी तरफ उलझाए हुए थे। एरन फिर से टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है लेकिन वो अपनी टाइटन बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता और मिकासा पर ही अटैक कर देता है और बेहोश हो जाता है। आर्मिन एरन के पास आता है और उसे अपना सपना याद दिलाता है, जिससे एरन जाग जाता है और अपनी टाइटन बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। फिर वो बड़ा सा पत्थर उठाता है और इसके साथ ही वो होल की तरफ चल पड़ता है। बाकी सोल्जर्स को एहसास होता है कि उन्हें एरन को बाकी टाइटन्स से प्रोटेक्ट करना होगा और उसका रास्ता साफ करना होगा, भले ही ऐसा करने पर उनकी जान ही क्यों न चली जाए। एरन आगे बढ़ता है और उस गेट को सील करने में कामयाब होता है। ये मानवता की टाइटन्स के खिलाफ पहली जीत थी और अंदर के टाइटन्स को स्काउट्स लीजन और कैप्टन लिवाई मार देते हैं, लेकिन दो टाइटन्स को जिंदा पकड़ा जाता है उन पर रिसर्च करने के लिए। इसके बाद वो मरे हुए लोगों को इकट्ठा करते हैं। अनगिनत लाशों में मार्को भी था, जिसका ओडियम गियर किसी कारण से गायब था। एरन एक जेल के अंदर जागता है। उसके सामने थे स्काउट्स रेजिमेंट के कमांडर आर्विन स्मिथ और साथ में वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर कैप्टन लिवाई। दोनों उसके टाइटन पावर के बारे में पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि वो किसकी तरफ है, क्योंकि अब उन्हें भी समझ आ रहा था कि कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन भी एरन की तरह टाइटन शिफ्टर हैं। एरन ये कहता है कि टाइटन पावर का राज उसके घर के बेसमेंट में हो सकता है और वो स्काउट्स रेजिमेंट को ज्वाइन करना चाहता है ताकि सभी टाइटन्स को मार सके। आर्विन एरन पर भरोसा कर उसे स्काउट्स में शामिल कर लेता, लेकिन अभी एरन का कोर्ट में ट्रायल होना था। कुछ दिनों बाद सर्वे कॉप्स की लीडर हांजी लीडर माइक के साथ एरन को जेल से निकाल कोर्ट रूम ले जाते हैं। मिलिट्री रैंक्स एरन को मारने को कहते हैं, लेकिन आर्विन कहता है कि वो एरन को यूज कर शिगांशिना डिस्ट्रिक्ट भी वापस ले सकते हैं। इसके बाद कैप्टन लिवाई एरन को बुरी तरह पीट देता है, कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई, और ये कहता है कि एरन ने कुछ भी गलत किया तो उसे तुरंत मार देगा। इससे सहमत होकर एरन को स्काउट्स के हवाले कर दिया जाता है और एरन लिवाई स्क्वाड ज्वाइन करता है, जिसमें इनके अलावा थे ऑल्बो, गंथर, एल्ड और पेट्रा। ये अपने पुराने हेडक्वार्टर्स में जाते हैं। यहाँ हांजी एरन को अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताती है जो उसने उन दोनों टाइटन पे किया था। उन्हें पता चला कि टाइटन्स बिना सनलाइट के रुक जाते हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए सनलाइट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ना खाना ना पानी। वो इंसानों को तो सिर्फ मजे के लिए खाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उन दोनों टाइटन्स को किसी ने मार दिया और अपराधी इन्हीं के बीच छुपा है। इधर बाकी के लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सी ब्रांच को ज्वाइन करना है। एनी आर्मिन से कहती है कि वो जिंदा रहना चाहती है, इसीलिए वो रॉयल गार्ड चूज करेगी। फैसले का दिन आ चुका था और सिर्फ 21 लोग ही स्काउट्स रेजिमेंट को ज्वाइन करते हैं। डर इनको भी लग रहा था, लेकिन अब पीछे मुड़ने का सवाल भी नहीं था। इसके एक महीने बाद सभी वॉल रोज के बाहर जाते हैं। इनका मिशन था वॉल मारिया तक पहुंचना और अब ये टाइटन्स के इलाके में थे। ये आर्विन के फॉर्मेशन के हिसाब से अलग अलग टीम में बढ़ जाते। एरन लिवाई के साथ मिडिल में था। इनकी पूरी कोशिश थी कि ये टाइटन को अवॉइड करके आगे बढ़ें और ये ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ एक इंटेलिजेंट टाइटन आता है। ये एक फीमेल टाइटन थी जो सीधा ग्रुप्स को मारना शुरू कर देती है। ये भी एरन की तरह एक टाइटन शिफ्टर है। फीमेल टाइटन आर्मिन की स्क्वाड के लोगों को भी मार देती है, लेकिन वो आर्मिन को मारने से पहले उसका फेस देखती है और फिर उसे जिंदा वहाँ छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। राइनर और जीन आर्मिन के साथ हो जाते हैं और तीनों उस फीमेल टाइटन का पीछा करते हैं। राइनर उसे मारने जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। राइनर उसकी पकड़ से बच निकलता है और फीमेल टाइटन एरन की तरफ भागने लगती है। क्रिस्टा कुछ हॉर्स को लेकर इनके पास आती है और ये बाकी के ग्रुप्स को फीमेल टाइटन की चेतावनी देते हैं और फीमेल टाइटन एक एक करके स्क्वाड्स को मारते ही जा रही थी। लिवाई स्क्वाड एक जायंट फॉरेस्ट में एंटर करते हैं। कुछ सोल्जर्स पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, जिससे टाइटन्स को उनके पीछे जाने से रोका जा सके, लेकिन फीमेल टाइटन पहले ही अंदर पहुंच चुकी थी और वो एरन के पीछे ही थी। लेकिन लिवाई इस पर कोई रिएक्शन नहीं देता और उसकी स्क्वाड को लेवी पर भरोसा था। इरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने को बोलता है। लिवाई कहता है कि फैसला उस पर है, लेकिन बाद में उसे पछतावा ना हो, और एरन भी लिवाई पर भरोसा करके आगे बढ़ता है। और जैसे ही फीमेल टाइटन एरन को पकड़ने वाली होती है, एरविन एक सिग्नल देता है। एरविन की स्क्वाड ने इसके लिए जाल बिछाया हुआ था और वो देख सकते हैं कि इस टाइटन के अंदर कौन है। इधर आर्मिन को रियलाइज होता है कि अगर फीमेल टाइटन उन्हीं में से कोई एक है तो कोलोसल और आर्मर टाइटन भी उन्हीं के बीच छुपे होंगे और उन्हें पता करना होगा कि वो कौन है। लिवाई और आर्विन फीमेल टाइटन
टाइटन की गर्दन काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस टाइटन के पास एक पावर है जिससे कि वो अपने शरीर का कोई भी हिस्सा क्रिस्टल की तरह हार्ड कर सकती है। अचानक वो टाइटन चिल्लाती है और नॉर्मल टाइटन्स उनके पास आकर उसकी बॉडी को खाने लगते हैं और अब सोल्जर्स को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। उनका मिशन फेल हो गया था। इरविन को रियलाइज होता है कि जो लड़की फीमेल टाइटन की बॉडी में थी वो ओडीएम गियर का यूज कर भाग गई होगी। तभी लिवाई स्क्वाड के पीछे वो फीमेल टाइटन फिर से अपीयर होती है और एक एक करके पूरे स्क्वाड मेंबर्स को मार देती है। एरन को रियलाइज होता है कि उसे पहले ही टाइटन बन जाना चाहिए था, लेकिन वो अब टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है और फीमेल टाइटन से फाइट करने लगता है। दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ते हैं, लेकिन फीमेल टाइटन इसमें स्किल्ड थी और एरन उसे छू भी नहीं पा रहा था। साथ ही उसके पास हार्डनिंग पावर भी थी। वो एरन टाइटन को हरा देती है और उसकी गर्दन से एरन को निकालकर अपने मुंह में भर लेती है। लेकिन तभी वहां मिकासा और लिवाई आ जाते हैं। दोनों टीम वर्क करके उस फीमेल टाइटन से लड़ते हैं और एरन को बचा लेते हैं, लेकिन फीमेल टाइटन भाग निकलती है। स्काउट रेजिमेंट्स वापस वॉल्स के अंदर आ जाते हैं। इनके ही सारे सोल्जर्स मारे गए थे और अब इरविन को एरन मिलिट्री पुलिस को सौंपना होगा। इधर हम कैपिटल डिस्ट्रिक्ट देखते हैं जहां एनी ने मिलिट्री पुलिस में ज्वाइन किया था और स्काउट्स को कैपिटल तक लाने का काम मिलिट्री पुलिस को दिया जाता है, जहां एरन का ट्रायल होगा। रास्ते में एनी को आर्मिन मिलता है। वो एरन को यहां से भगाने का प्लान कर रहा था और उसे एनी की हेल्प चाहिए और एनी मान जाती है। वो दोनों एरन और मिकासा के पास जाते हैं। फिर वो एक अंडरग्राउंड टनल में जाने लगते हैं, लेकिन एनी मना कर देती है। ये एक्चुअली एक जाल था एनी के लिए। आर्मिन को पहले ही शक हो गया था कि मार्को का ओडीएम गियर एनी ने चुराया था और उन दोनों टाइटन्स को भी इसी ने मारा था, और एनी ही फीमेल टाइटन है, इसीलिए एनी ने आर्मिन को नहीं मारा था। एनी हंसने लगती है और अपनी फिंगर काट के फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सभी स्काउट्स उस पर अटैक कर देते हैं। आर्मिन और जीन मिलकर उसे ट्रैप में फंसा लेते हैं, लेकिन वो आसानी से उसे तोड़ देती है। काफी मुश्किल के बाद एरन भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एरन और एनी बैटल करते हैं, लेकिन एनी जीत रही थी, पर एरन उसके मूव्स समझकर काउंटर अटैक करने लगता है, लेकिन फिर भी वो एरन को हरा के उसका सिर फोड़ देती है और वॉल की तरफ भागने लगती है। लेकिन गुस्से से भरा एरन उसके पीछे आता है और उसे जमीन पर गिरा देता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एनी उससे बच के वॉल पर चढ़ के भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिकासा उसकी उंगली काट देती है और वो गिर जाती है और एरन उसके हाथ पैर चीर देता है। लेकिन इससे पहले वो एनी को बाहर निकाले, वो चमकने लगती है और उसके आसपास एक क्रिस्टल बन जाता है। इधर कैप्टन लिवाई एरन को उसकी टाइटन बॉडी से काट कर बाहर निकालता है। हम एनी को एक विशाल क्रिस्टल के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर एनी बेहोश थी। सबको रियलाइज होता है कि उन्हें एनी से कोई जवाब नहीं मिलेंगे जब तक वो उससे बाहर नहीं निकल जाती। स्काउट्स क्रिस्टल को ले जाते हैं। इधर अरविन काउंसिल से मिलता है और उन्हें कन्विंस कर लेता है कि एरन उनकी साइड है और उनका सबसे बड़ा हथियार है, और बाकी के दो टाइटन्स कोलोसल और आर्मंड जो उनके ही बीच छुपे हुए हैं उन्हें भी वो पकड़ लेगा। अब उनकी बारी है टाइटन्स को मुंह तोड़ जवाब देने की। वहीं इधर स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट में जिस वॉल पर एनी चढ़ रही थी वहां का एक हिस्सा गिर जाता है और वॉल के अंदर हमें एक कोलोसल टाइटन का फेस दिखता है, जिसका मतलब इन वॉल्स में टाइटन्स को कैद किया हुआ है। और अटैक ऑन टाइटन का सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी कि आपका फेवरेट AOT कैरेक्टर कौन है। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अटैक ऑन टाइटन के सीजन 2 में हमें और भी सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि कोलोसल और आर्मर टाइटन कौन है, और हमें दो नए टाइटन शिफ्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, और हम जल्द से जल्द सीजन 2 पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर देना, ताकि हमारे एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अटैक ऑन टाइटन के सीजन 2 के साथ।